दुर्ग नगर निगम ने दुर्घटनाओं को निमंत्रण दे रहे अवैध रूप से लगे लोहे के प्रचार प्रसार बोर्ड को हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान दुर्ग यातायात विभाग और नगर निगम की टीम मौजूद रही। शहर के चौक चौराहों में दुर्घटना कारण बन रहे प्रचार प्रसार के बोर्ड को हटाने दुर्ग यातायात प्रभारी आनंद शुक्ला, अतिक्रमण अधिकारी एवं राजस्व अधिकारी दुर्गेश गुप्ता की संयुक्त टीम ने जेसीबी मशीन कार्रवाई कर अवैध रूप से लगे लोहे के प्रचार प्रसार बोर्ड को ध्वस्त किया। दुर्घटना कारण बनने वाले बोरसी रोड पर प्रचार प्रसार के बोर्ड को यहां पर हटाया गया। साथ ही बोरसी चौक क्षेत्र रोड पर विक्रय के लिए खड़े किए गए गाड़ियों को भी हटवाया गया। इस दौरान आवागमन में बाधा उत्पन्न करने वाले लगभग 20 से 25 अवैध सामग्री को रास्ते से हटाया गया। साथ ही विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई करते हुए बेदखली की कार्रवाई की गई। साथ ही दोबारा दुकान नहीं लगाने की हिदायत भी दी गई। इसे लेकर अतिक्रमण अधिकारी दुर्गेश गुप्ता ने बताया कि शहर में अवैध कब्जाधारियों पर निरंतर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अभियान जारी रहेगा। विगत 2 दिन पहले बोरसी वार्ड क्रमांक 52 बोरसी चौक में वहाँ पे एक दुर्घटना घटी थी। उसका कारण यही था कि वहाँ पे बहुत सारे जो साइन बोर्ड लगे थे और विज्ञापन बोर्ड लगे थे, और उसके कारण लोगों को वहाँ का कहना था कि उसके कारण वो दुर्घटना घटी है। तो उसमें कमिश्नर साहब ने संज्ञान लेते हुए निर्देश दिए थे कि SDM साहब और पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर आज कार्रवाई की जाए, उन साइन बोर्ड को हटाने की कार्रवाई की जाए, और साथ ही साथ वहाँ जो आसपास में लोगों ने अतिक्रमण किया है, ठेले लगाए हैं, उन्हें भी हटाया जाए। जिसके तहत आज हम लोगों ने पूरी जिला प्रशासन की तरफ से तहसीलदार वर्मा जी और TI यातायात उनके उपस्थिति में आज नगर निगम की टीम के द्वारा तो वहाँ जो साइन बोर्ड लगे थे और साथ ही साथ जो विज्ञापन बोर्ड लगे थे उससे एजेंसी को बोलकर निकलवाया गया और आसपास के अतिक्रमण और ठेले को हटाया गया। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।